बड़ी अपडेट जो है वो कश्मीर के कुलगाम एरिया के वानपोरा एरिया से आ रही है। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले ही तीन जो बिहार के रहने वाले व्यक्ति थे उन पर आतंकवादियों द्वारा जो है वो गोली चलाई गई और उनमें से जो दो लोग थे वो तो मौके पे ही उनकी मौत हो गई और एक जो है वो अनंतनाग जो हॉस्पिटल है अनंतनाग में वहां पर जो नजदीक में है वहां पर ले जाया गया और वहां पर उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो तीसरा व्यक्ति है वो भी उसकी जो कंडीशन है वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये वानपुरा इलाका है कुलगाम पर का, वहां पर ये लोग मौजूद थे और तीनों अभी तक जो खबर आ रही है कहा जा रहा है कि ये तीनों एक साथ ही थे, तभी वहां पर कुछ लोग आए आतंकवादी जिसे हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो है, क्योंकि अभी तक जो कहा जा रहा है कि अननोन गनमैन है और अननोन गनमैन को आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो आतंकवादी ही है। पर अभी तक अगर बताया जाए तो किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जान जो जिम्मेदारी है वो नहीं ली है, लेकिन जिस तरह के ये लगातार देखा जाए जो सिविलियंस की किलिंग की जा रही है, जो आम व्यक्ति को गोली का निशाना बनाया जा रहा है, ज़्यादातर जो है वो TRF अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस दार रेजिस्टेंस जो फ्रंट जो एक आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा का ही, उनके द्वारा ही ये किलिंग की जा रही है। और अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि तीन लोगों पर वानपोरा एरिया में तीनों लोग थे, तीनों के तीनों जो हैं ये दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं और तीनों ही बिहार के रहने वाले हैं और जिस तरह से उन पर गोली चलाई गई और उसके बाद दो जो लोग थे वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई और जो तीसरा व्यक्ति है उसे फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि अनंतनाग जो हॉस्पिटल है अनंतनाग में वहां पर उसे शिफ्ट किया गया है। अब मैं बता दूं उन लोगों का जो बिहार के तीनों रहने वाले हैं, जिन दो लोगों की जो मृत्यु हो गई है उनमें से एक का नाम है राजा रेशी देव और दूसरे का नाम है जोगिंदर रेशी देव और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि उनका नाम एक जैसा है तो शायद वो भाई भी हो सकते हैं। और उसके बाद जिस जो जो व्यक्ति अभी इंजर्ड है जिसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, काफ़ी नाजुक हालत है उसकी और उसका नाम बताया जा रहा है कि चुनचुन रेशी दास उसका नाम है और उसके पिता का नाम है तेजू दास। और इनमें यही जो अभी हमारे पास खबर है इसमें बताया जाएगा तीनों व्यक्ति जो है वो बिहार के रहने वाले हैं। जिस तरह से कल भी आपने देखा होगा इसी टाइम पर इसी समय पर कल भी आतंकवादियों द्वारा दो लोगों को निशाना बनाया गया था जिनमें एक बिहार का रहने वाला था और एक जो था वो यूपी का रहने वाला था। बिहार का रहने वाला वहां पर गोलगप्पे का जो अपना स्टॉल था एक रेडी था वो लगाता था, उसे वहीं पर निशाना बनाया गया और दूसरा जो था यूपी का रहने वाला व्यक्ति वो एक कारपेंटर था, लकड़ी का काम करता था और उसे दूसरी जगह पर आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार अब सिविलियंस को टारगेट पर जो है आतंकवादी ले रहे हैं, अलग ही हालात जो है अब कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि कश्मीर के हालात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, सुधरते चले जा रहे हैं, बहुत बेहतरी में अब कश्मीर को देखा जा रहा है, वहाँ का जो अमन चैन की लगातार बात की जा रही है, लेकिन अब जिस तरह से वहाँ पिछले 10 दिन में हालात हो चुके हैं, लगातार सिविलियंस की किलिंग की जा रही है, जो बाहर के रहने वाले हैं उनको किलिंग उनकी जो है हत्या की जा रही है। और कल और आज में देखा जाए तो 24 घंटे हुए और 24 घंटे में इसी टाइम पर कल भी आतंकवादियों ने गोली चलाई थी और दो व्यक्ति को अपना निशाना बनाया था, अलग अलग जगह की ये वारदात थी और आज भी वही सेम तरीका जो है वो सामने आ रहा है। तीन लोग एक साथ बताए जा रहे थे, तीनों को गोली चलाई, तीनों ही बिहार के रहने वाले हैं। और अगर अभी मैं एक आपको सुना देता हूं जो एक व्यक्ति है जो खुद वहां पर मौजूद था उसके द्वारा क्या कहा गया है, मैं आवाज़ भी कोशिश करूंगा बढ़ाऊं। और ये देखिए ये हमारे पास एक विजुअल आया है। तो कितने बंदों का गोली लग गई है? लगभग 3 आदमी। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी तो वो दो का पता नहीं लग रहा। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? यार तो कितने बंदों पर दर्द? 3 बंदे पे हमला हुआ। नंबर 3 थे? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? मैं फिर से आपको सुना देता हूँ, सुनिए। ये चश्मदीद है, ये भी उनके साथ ही थे। जी, आप कहाँ से हो? वनपुर में रहते थे। तो क्या हुआ वहाँ पे? वनपुर में वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको, फिर वहाँ से लेके माय डॉक्टर के। तो कितने बंदों का गोली लग गई है? लगभग 3 आदमी। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी तो वो दो का पता नहीं लग रहा। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? यार तो कितने बंदों पर दर्द? 3 बंदे पे हमला हुआ। नंबर 3 थे? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ?
तो आप समझ सकते हैं जिस तरह उन्होंने कहा कि तीन लोग थे, ये वहीं पर उन्हीं के साथ वहां पर मौजूद होंगे, शायद इनके सामने ही ये चीजें हुई। और आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात अब लगातार कश्मीर में बनते चले जा रहे हैं। जैसे जब पहले एक सिविलियंस की किलिंग की गई थी, जिसमें अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल जो थे उन पर उनकी हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा, उसके साथ उसी स्कूल के बात की जाए तो एक टीचर थे, अध्यापक थे दीपक चंद, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसी दौरान एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई, तीन किलिंग की गई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमेशा तैनात रहती है इन्हीं चीज़ों के लिए और आतंकवाद को रोकने के लिए, उसके बाद जो नो एनकाउंटर किए गए थे, लगातार एनकाउंटर जो है वो इनपुट के हिसाब से देखा जा रहा था कि कहाँ से इनपुट मिल रहे हैं, कहाँ पर ये आतंकवादी हो सकते हैं, उन पर घात लगाई जा रही थी, कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा था लगातार, और उन पर एनकाउंटर भी चलाए जा रहे, जिसमें नो एनकाउंटर देखा जा रहा था अभी तक किए गए हैं, जिसमें 13 आतंकवादी, जो अभी तक जानकारी है 13 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जिनमें कमांडर भी अगर बात की जाए लश्कर तौबा के कमांडर भी थे। और अभी जिस तरह के हालात अगर देखें कश्मीर में बनते चले जा रहे हैं, लगातार टारगेट किलिंग, अगर एनकाउंटर होने के बावजूद भी, आतंकवादियों के मारने के बावजूद भी, उनके बहुत सारे जो OOGW या उनको जो खबरें, जो उनकी खबरें पहुंचाते हैं उन तक, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की खबरें उन तक पहुंचाते हैं, उनके रहनुमा बनते हैं या उनकी मददगार, उनकी मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है पूछताछ के लिए पकड़ा भी गया था, उनसे और भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहे थे कि इन आतंकवादियों तक पहुंचा जाए, उनको मौत के घाट उतारा जाए, लेकिन जिस तरह से हालात देख रहे हैं कश्मीर, जो अमन चैन की बात करनी चाहिए कश्मीर को लेकर, जो लोगों को वहां पर बसाने की बात की जा रही है, लोगों को वहां पर फिर से भेजने की बात की जा रही है, और एक तरफ दूसरी तरफ बात की जाए तो इस तरह के हालात लगातार बनते चले जा रहे हैं। अगर इस तरह के हालात अगर आगे भी बनते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग भी कश्मीर में, जिनको भेजने की कवायद की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा कि उन्हें भेजा जाए वापस, तो वो किस तरह से जाएंगे। जो डर का माहौल अब बाहर के लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हालात है, कोई भी ये न्यूज़ सुनता है तो हर एक के जहन में कश्मीर की जो खूबसूरती है वो नहीं, कश्मीर का जो अमन चैन है वो नहीं, कश्मीर का जो कल्चर है वो नहीं, अब अलग ही कश्मीर की तस्वीर नजर आ रही है। जब कश्मीर की बात आती थी तो कहा जाता था कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो फिर कश्मीर में ही है, लेकिन अभी जो बात की जाए तो वहां पर स्वर्ग कम और अलग ही दृश्य, नरक जैसे दृश्य जो है वो कश्मीर में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बिहार के रहने वाले व्यक्ति हो, यूपी के रहने वाले व्यक्ति हो, या फिर जम्मू के हो, हर एक को वहां पर जो आतंकवादी है वो अपने टारगेट पर ले रहा है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि इसे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि टारगेटेड किलिंग की बात की जाए तो वो सामने नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कल दो, आज तीन लोगों पर हमला, जिनमें दो लोग जो हैं मौत, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और अभी एक जो है वो बताया जा रहा है कि उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, लेकिन हालात कश्मीर के लगातार जो है वो टेंस बने हुए हैं, नाजुक बने हुए हैं, लेकिन इन हालातों पर कुछ ना कुछ अब सेंटर की सरकार जो है उनको कुछ ना कुछ और कठिन कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखा जाए तो लोगों को पकड़ना होगा, कौन इनके मददगार है, कौन इन लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, कौन इनको ऐसी चीज़ें जो पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग जो हैं आम जनता को, आम व्यक्ति को, जो वहां पर मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, अपना गुजर बसर करने के लिए जा रहे हैं, उनको बचाया जा सके। अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि कश्मीर में जो अब हालात पनप रहे हैं कहीं ये और भी बदतर ना बन जाए। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, तो वो अपनी तरफ से पूरा काम जो है वो कर रही है, अपना जो बखूबी अपना रोल जो है वो निभा रही है, लेकिन इस तरह के हालात जो हैं वो अब कश्मीर में बनते चले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब कहीं मुश्किलें जो हैं उन लोगों के लिए भी बनती चली जा रही हैं जो वहाँ पर काम करने के लिए बाहर से आए हुए हैं, यानी कि अलग स्टेट से आए हुए हैं, जम्मू से गए हुए हैं। और अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पलायन भी, वहाँ से निकलने भी लग पड़े हैं, ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं, ऐसे लोग वहाँ से निकल रहे हैं, वो चाहते हैं कि जान है तो जान है, हम यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। कश्मीर में हम देख रहे थे कि अमन चैन है, जो बार बार जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम वो हर चीज वहां पर कर रहे हैं कि कश्मीर में हालात और बेहतर हो सके, लेकिन जिस तरह की कंडीशन अब देखने को मिल रही है कश्मीर में, ये बेहतरी की बात नहीं है। वहां पर और कड़े कदम जो है उठाने की जरूरत है ताकि ऐसे आतंकवादियों को, जितने भी उनके साथी हैं, उनके संगठन हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाए और जल्द से जल्द इन सभी आतंकवादियों का जो है वो सफाया किया जाए। अब देखा जाएगा कि जो तीसरा व्यक्ति है उसके क्या हालात है, क्या वो बच पाता है या नहीं बच पाता, लेकिन अभी तक जो बात आ रही है ये बताया जाए कि उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।